प्लेन को छोड़कर कूदने पर पायलट तो बच जाता है, लेकिन 100 करोड़ का प्लेन तबाह हो जाता है तो फिर पायलट को क्या सजा मिलती है। दरअसल इमरजेंसी होने पर पायलट अपनी जान बचाने के लिए सीट इजेक्शन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे सीट के नीचे लगा रॉकेट लॉन्च होता है, जो पायलट को सीट के साथ हवा में 100 फीट ऊपर प्लेन से बहुत दूरी फेंक देता है, जिससे पायलट पर 14 से 20 तक का ग्रेविटी फोर्स लगता है। इतने फोर्स से पायलट की टांग भी टूट सकती है और गर्दन में भी मोच आ सकती है, और तो और 20 से 30% पायलट की रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती है, जिससे वे प्लेन चलाने के लायक नहीं रहते, और जो ठीक ठाक बच जाते हैं उन्हें फिर से नया प्लेन दे दिया जाता है ताकि वे भी अपनी कमर तुड़वा लें।